नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। आभार यात्रा जदयू की तरफ से निकाला गया है। बता दें आपको कि जातीय जनगणना को लेकर लगातार मांगे उठ रही थी और बिहार में जातीय जनगणना होगा जिसको लेकर तमाम मंत्री नेता मौजूद है। हमारे साथ जदयू से मंत्री लेसी सिंह मैम है। मैम, आभार यात्रा निकाला गया है, क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जब MP थे तब से ये मांग कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, लगातार आवाज उठाते रहे। अब सभी दलों के समन्वय से राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अपने खजाने से जाति आधारित गणना कराई। इसके लिए सभी जाति वर्ग के लोगों को का एक आंकड़ा होगा, उनके लिए कार्यक्रम बनाया जाएगा, उनके लिए विकास की योजना बनाई जाएगी, वो तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, राज्य आगे बढ़ेगी और देश आगे बढ़ेगा। इसके लिए हम सभी बिहारवासी उनके आभारी हैं। आज आभार यात्रा का निर्णय, लोगों को फायदा होगा, सबको फायदा होगा। ये लेसी सिंह है जदयू से मंत्री हमारे साथ, कहीं ना कहीं लेसी सिंह मैम को आपने सुना है, क्या कुछ कहना था जदयू से मंत्री? देखिए, आभार यात्रा निकाला गया है जदयू की तरफ से, तमाम नेता कार्यकर्ता या फिर तमाम लोग जो है वो मौजूद है। ये तस्वीर पटना का सड़क है और इस पे देख सकते हैं किस तरीके से जदयू के तमाम कार्यकर्ता, नेता और मंत्री जो है वो मौजूद है। वहीं लेसी सिंह ने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से जातीय जनगणना होगी तमाम तबके को जो है वो बढ़िया उनके लिए है और कहीं ना कहीं उनके लिए सही है जातीय जनगणना। और ये तस्वीर एक बार दिखा देना चाहेंगे किस तरीके से तमाम लोगों को फायदा होगा जातीय जनगणना से, ऐसा लेसी सिंह का कहना था। और तमाम जदयू के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, तमाम लोग मौजूद है। ये पटना का सड़क है, पटना के GPO गोलंबर से जो आभार यात्रा है वो निकाला गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आभार व्यक्त किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है, किस तरीके से देख सकते हैं तमाम जदयू के नेता मंत्री मौजूद हैं। बता दें आपको कि लेसी सिंह थी जदयू की मंत्री हैं, जदयू से बिहार की। वहीं अशोक चौधरी थे, वहीं तमाम कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोग जो हैं वो मौजूद है। ये तस्वीर आपके सामने है, ये पटना का सड़क है और बता दें आपको कि GPO गोलंबर से लेकर ये लोग पटना के कारगिल चौक तक जाएंगे। वहीं नीतीश कुमार जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लग रहे हैं, वहीं आभार व्यक्त किया जा रहा है। तमाम देख सकते हैं महिला कार्यकर्ता या फिर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद है। ये तस्वीर देख सकते हैं, लगातार नारे लग रहे हैं जिंदाबाद के। वहीं लेसी सिंह ने यह साफ साफ कहा है कि तमाम लोगों को आराम होगा, फायदा होगा और तमाम लोग जो हैं वो मौजूद है। ये तस्वीर देख सकते हैं, पटना का ये सड़क है, पटना के GPO गोलंबर से ये लोग निकल कर कारगिल चौक तक जा रहे हैं। और ये तस्वीर आपके सामने, अशोक चौधरी जदयू के मंत्री हैं, बिहार के भवन निर्माण मंत्री हैं, वो मौजूद हैं। लेसी सिंह हैं, मंत्री हैं, वो मौजूद हैं। और लेसी सिंह को आपने सुना उनका क्या कुछ कहना था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम जदयू के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर पूरे पटना के सड़कों पर उतरे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और क्या कुछ कहना था लेसी सिंह का आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।